हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली डाइट के स्पोर्ट राउंड की पहली और ओवरऑल फोर्थ एडमिशन लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली डीएलएड की। यहाँ पर आप आओगे तो डीपीएससी और डीएलएड दोनों के राउंड फोर की जो स्पॉट अलॉटमेंट लिस्ट है वो रिलीज हो गई है। आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। इसमें आपको शो करेगा किन किन कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है, और इसमें वो भी शो करेगा कि जिनका एडमिशन शुरू के 3 राउंड में हो चुका है उनका नाम भी यहाँ पर शो करेगा। जिसने अगर स्पॉट काउंसलिंग में अप्लाई करा है और उसको सीट अलॉट हुई है तो उसका नाम भी इसी में शो करेगा। प्लस अगर आपने 3rd राउंड के बाद स्लाइड कर लिया था, अपग्रेड कर लिया था और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आपका नाम भी इसमें शो करेगा अगर सीट अपग्रेड हुई है तो, या फिर 3rd राउंड वाली ही अलॉट हुई है तो भी आपका इसमें नाम शो करेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर 4th लिस्ट चेक कर सकते हो डीपीएससी की। स्पोर्ट काउंसलिंग के शेड्यूल पर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। शेड्यूल के अकॉर्डिंग 16 जुलाई को लिस्ट आनी थी, बट कोई बात नहीं, 17 जुलाई को लिस्ट आई है। अब जो लिस्ट आई है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 18 से 22 जुलाई तक, जी हाँ 18 से 22 जुलाई तक का टाइम है इस लिस्ट में एडमिशन लेने के लिए। जिनको अगर कोई फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है वो अपने रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेकर, प्लस पार्ट एकेडमिक फ़ीस 3600 रुपये के साथ। 3600 रुपये पे करेगा ऑनलाइन, उसकी रिसिप्ट डाउनलोड करेगा, ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेगा और जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और उसकी ओरिजिनल और उसके 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी लेके इंस्टीट्यूट में जाएगा और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो डिसाइड करेगा कि उसे फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है। अच्छा, ये स्पॉट राउंड के एडमिशन है, क्या इसमें अपग्रेड अलाउड है या नहीं, इसमें बहुत बड़ा भी रिस्क है। तो आप जब एडमिशन लेने जाओगे तो उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या 5th राउंड के लिए हम सीट को अपग्रेड कर सकते हैं अभी भी या नहीं। तो ये आपका टास्क है, आपकी ड्यूटी है। आप जब काउंसलिंग के लिए, वेरीफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पर पूछना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट में। अगर नहीं कर सकते तो आपको अपनी सीट फ्रीज करनी पड़ेगी और फिर 5th राउंड में आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आपने सीट फ्रीज कर ली है। और बाकी जिनको सीट अलॉट हुई है उन्होंने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी या पार्शियली एक्टिविटी करी है तो फिर वो आगे किसी भी राउंड में कंसिडर नहीं करे जाएंगे, फिर एडमिशन वगैरह क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पर आप वेबसाइट पर आओगे तो नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे काउंसलिंग के, डीएलएड और डीपीएससी के। यहाँ लिंक पर जाकर लॉगिन करके आप देख सकते हो कि आपको अलॉटमेंट लेटर आया है या नहीं। जिनका नाम आया होगा एडमिशन लिस्ट में उन्हीं का अलॉटमेंट लेटर आया होगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है दोस्तों दिल्ली डाइट के स्पॉट राउंड एडमिशन लिस्ट आने के बाद। थैंक यू।